गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे विल बी स्टार्टिंग विद योर सेकेंड चैप्टर ऑफ इंग्लिश बुक इट्स सो हैपेंड। द चैप्टर नेम इज चिल्ड्रन एट वर्क। कॉम्प्रिहेंशन नंबर वन, वेलू एन 11 ईयर ओल्ड बॉय रन्स अवे फ्रॉम द होम। बेसिकली वेलू नाम का एक 11 साल का लड़का अपने घर से भाग जाता है। ही वॉन्डर्स अराउंड फॉर आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई विदाउट अ टिकट। वो बहुत देर तक घूमता रहता है क्योंकि उसको चेन्नई की ट्रेन पर चढ़ना होता है और उसके पास कोई टिकट नहीं होती है। Tired and hungry, he doesn't know where to go when a stranger at the station shouts a word of welcome। और वो बहुत ज़्यादा भूखा और थका हुआ होता है और उसको, क्योंकि वो घर से भागा हुआ होता है तो उसको पता भी नहीं होता कि उसको कहाँ जाना है, तो उतने में एक अनजान आदमी उसके ऊपर मतलब उसको चिल्ला के बोलता है कि मतलब इधर आ जाओ और समथिंग, जैसे बोलता है ना वर्ड ऑफ वेलकम, मतलब बुलाना अपनी तरफ। When the कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल, it took Velu some time to get off. When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly as if he was still on the moving train। क्या होता है कि वो कन्याकुमारी एक्सप्रेस में होता है, कन्याकुमारी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, और वो चेन्नई सेंट्रल पे जैसे ही पहुँचती है तो वो ट्रेन से उतर जाता है और उसको थोड़ा टाइम लगता है उतरने में बेसिकली। लेकिन जब वो खड़ा होता है प्लेटफॉर्म पे ना, तो उसको मतलब पैरों में ना थोड़ा वॉबली सा फील होने लगता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे अभी भी ट्रेन चल रही है। वैसे तो हम लोग जैसे जनरली कहीं जाते हैं तो हम बैठ के जाते हैं ट्रेन में, लेकिन जो जैसे मुंबई वगैरह है ना, वहाँ लोकल ट्रेन्स चलती हैं, या आप लोग अगर मतलब मेट्रोस तो खैर नहीं बोल सकते, लोकल ट्रेन्स में क्या होता है कि वो इतनी हिलती हैं ना, डब्बे वगैरह उनके इतने हिलते हैं कि आपके लेग्स जो हैं वो शेक करते हैं, पैर शेक करने लगते हैं, हिलने लगते हैं। तो फिर जब आप प्लेटफॉर्म पर उतरते हो तो तब भी थोड़ा टाइम लगता है कि मतलब पैरों में वो झंझनाहट सी रहती है कि हाँ अभी भी ट्रेन चल रही है, थोड़ा टाइम लगता है नॉर्मलाइज होने में। तो वैसे उसके साथ और था। ओए आउट ऑफ द वे, अ पॉटर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली, वेलू जंप्ड असाइड। तो क्या होता है कि एक पॉटर होता है, वो ट्रॉली लेके आ रहा होता है और वेलू के ऊपर चीखता है कि ओए आउट ऑफ द वे, मतलब साइड हटो। तो फिर वेलू जो है वो अलग से हट जाता है। ही सैट ऑन अ बेंच ऑन अ प्लेटफॉर्म पुटिंग ए स्मॉल बंडल डाउन। In all his 11 years, he had never seen so many people except once a year at a fair in his village. People walked by, bumping into him with their suitcases. A voice announced something on a loudspeaker. वो क्या करता है, वो बेंच पे बैठ जाता है प्लेटफॉर्म पे। जैसे हम जाते हैं ट्रेन्स के स्टेशन के ऊपर, प्लेटफॉर्म पे बेंचेस होते हैं, तो वो अपना छोटा सा बंडल जो उसके पास होता है नीचे रख देता है। और वो 11 साल में कभी भी उसने इतना ज़्यादा क्राउड नहीं देखा होता। वो मतलब एक बार देखा होता है उसने बचपन में, जब वो मेले में गया था अपने गांव के, तो वहाँ उसने थोड़ा क्राउड देखा था, लेकिन इतना क्राउड, क्योंकि हम लोग जाते हैं रेलवे स्टेशन पे, आप लोग गए होगे तो देखा होगा बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, इतने लोग होते हैं वहाँ पे। तो उसने पहली बार अपनी लाइफ में वो एक्सपीरियंस किया था इन 11 सालों में कि इतने लोग, मतलब देख के वो थोड़ा हैरान रह गया था। और लोग भी अपने सूटकेसेस वगैरह के साथ चलते रहते हैं, हड़बड़ी में होते हैं, जल्दी में होते हैं, तो वो एक बम्प करने का मतलब होता है एक दूसरे से टकराना। जब आप चल रहे हो तो रेलवे स्टेशन पे और इतनी भीड़ होती है, लोगों के हाथ में सूटकेसेस होते हैं, वो इधर से उधर टकरा जाते हैं क्योंकि वो जल्दी में होते हैं, भाग रहे होते हैं, ठीक है, ट्रेन पकड़नी होती है इस वजह से। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन, नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन देयर लगेज लुकिंग एट द टीवी हैंगिंग ऑन द रूफ। द नॉइस वॉज टेरिबल। इससे पहले एक चीज़ और लिखी हुई थी कि लाउड स्पीकर पर भी अनाउंसमेंट हो रही होती है। आपने देखा आप रेलवे स्टेशन वगैरह जाते हो, एयरपोर्ट जाते हो, तो वहाँ पे ना अनाउंसमेंट्स होती रहती हैं कि इस ट्रेन की जो ट्रेन है, यहाँ इस प्लेटफॉर्म की ट्रेन आने वाली है 10 मिनट में या ये, तो वो अनाउंसमेंट हो रही थी। और वो देखता है कि उसके लगेज के पास जो है, सॉरी मतलब उसके जस्ट पास में ही ना कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कुछ लोगों का समूह जो है वो अपने लगेज के ऊपर बैठ के जो टीवी वहाँ पे टंग रहा होता है प्लेटफॉर्म पे उसको देख रहे होते हैं। और वो उसकी जो द नॉइस, उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत टेरिबल थी। टेरिबल से कहने का क्या मतलब है, उसे समझ कुछ नहीं आ रहा था, बस वो देख रहे थे क्योंकि इतनी आवाज़ क्राउड की ऑलरेडी होती है। जब आप भीड़ वाली जगह पे होते हो और आप वहाँ सोचो कि आप मैं गाने सुनूंगा या आप टीवी चला दो, तो आपको कुछ सुनाई नहीं देगा क्योंकि ऑलरेडी लोगों की बहुत आवाज़ होती है, ठीक है। तो इस वजह से वो बोलता है कि नॉइज़ वॉज टेरेबल। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days अगो। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग बट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जैगरी। इन हिज बंडल ही कैरिड अ शर्ट, अ टॉल एंड अ कोम्ब। ही हैड वॉक्ड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कनूर एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई। वेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट, बट लकीली
The ticket collector didn't come to the unreserved compartment. He has tried to sleep on the floor near the door. A group of men next to him had played cards and shouted all night. Basically क्या होता है कि वेलू जो है अपना सर जो है ना अपने घुटनों पे रख के बहुत ज़्यादा अजीब और अकेला फील करने लग जाता है, क्योंकि वो बहुत थका हुआ भी होता है, एग्जॉस्टेड होता है. क्यों? क्योंकि वो घर से 2 दिन हुए होते हैं, उसे अपने विलेज से भागे हुए, अपने घर से भागे हुए, और 2 दिन में उसने कुछ नहीं खाया होता सिवाय कुछ मूँगफली के और जैगरी, मतलब क्या होता है गुड़ थोड़ा सा. और वो जो उसके बंडल वो अपने साथ कैरी कर रहा था उसमें सिर्फ उसकी एक शर्ट थी, एक तौलिया था और एक उसका कंघा था, उसकी कोम थी. ठीक है, उसने पूरा दिन जो पहला दे था वो कनूर में मतलब गया था वो, और उसके बाद वो चेन्नई की ट्रेन पे चढ़ गया था. उसके पास जो थे टिकट के भी पैसे नहीं थे, लेकिन वो इसलिए लकी था क्योंकि टिकट जो कलेक्टर था वो उसके जो अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट था वो जो आया था ना वो ट्रेन के अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में आया था और वहाँ पे टिकट कलेक्टर नहीं आया था, इसलिए वो बच गया था क्योंकि उसके पास टिकट नहीं थी. और वो बताता है कि वो जहाँ पे उसने क्या किया, वो रात भर भी जो है वो रात भर ट्रेन के कंपार्टमेंट की फ्लोर पे सोया था, डोर के पास, दरवाजे के पास. और उसके पास में ही जो थे ना कुछ लोग, आदमियों का ग्रुप जो था वो उसके साइड में बैठ के खेल रहे थे, एंड दे शाउटेड ऑल नाइट, वो पूरी रात चीखते रहे. ठीक है,